सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बगाच माता मंदिर पहुंचे। यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने यहां विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब की सेवा कर वह सत्ता में आई है और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक और कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सब अधिकारी जनता के सेवक हैं और उन्होंने कहा कि जनता को अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े बल्कि अधिकारी जनता तक पहुंचे, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री शिविर शुरू किया है। आवासीय भूखंडों के वितरण कार्यक्रम के दौरान पत्रकार जब सुंदरपुर के बगाच माता मंदिर पहुंचे तो कई हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें भू अधिकार पत्र नहीं मिले हैं। साथ ही कई सैकड़ों मजदूर पलायन के बाद उन्हें आस थी कि आवास के लिए भू अधिकार के पट्टे मिलेंगे मगर उन्हें भी पट्टे नहीं दिए गए। कमरा की जगह है और दो दो तीन तीन परिवार में है आदमी, उनको उतनी व्यवस्था नहीं हो रही इसलिए मिला। तो आपको मिलना चाहिए? नहीं, हमको नहीं मिला है। हमको कहते कि तुम्हारी आवास निकाय आई है। तो आवास निकला है क्या? नहीं, हाँ निकली है। तो तुम्हारे उनका जीव का? हाँ, उनका कुछ नहीं है। तो दिल्ली से क्यों बुलाया गया? अभी जो शासन जानेंगे हम कहाँ जानेंगे कि क्यों बुलाया। मिला आपको शासन द्वारा? नहीं मिला। जो आज मुख्यमंत्री आए हैं पता आपको? मुख्यमंत्री आए तो सरपंच कौन है आपके? हाँ, तो पट्टा क्यों नहीं मिला है सबको? तो पट्टे मिल गए गाँव वालों को। लेकिन अब लोग आगे बताए माने न्यूज के हल्ला के अनुसार कि बगाच माता ने इनके फिर की मूर्ति के प्रतिष्ठा होने उसमें आए। सरकार में से सबकी है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हरपुर निहारे की बात है, ये बांध सुजारा कौन ने बनाया? 50 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी बांध सुजारा जैसे बांध बनाए? कभी बेतवा और कैन को जोड़ने का काम किया? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ होने वाला है और उस प्रोजेक्ट के कारण टीकमगढ़ के किसान भाइयों एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। एक महीने को बांधों पे हमने काम किया है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो। और एक बात मैं साफ कहता हूं, गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम।